तानिया वो देख कौन जा रही है, द ग्रेट मिस इशिता। या पता नहीं खुद को क्या समझती है, स्कूल की हेड गर्ल जब हम गई अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझने लग गई है। हमारी ही सोसाइटी में रहती है पर स्कूल में ऐसा बिहेव करती है कि हमें जानती ही नहीं है। लास्ट वीक उसने मेरे सब फ्रेंड्स के सामने मुझको डांटा था। मैं असेंबली के वक्त मेरे फ्रेंड खुशी के साथ बात क्या कर रही थी। सो व्हाट, इसमें इतने स्ट्रिक्टली आके बोलने की क्या जरूरत है। उसकी तो आदत ही है, मुझको भी उसने एक बार देर लंबे करने पर डांटा था और धमकी दी थी कि नेक्स्ट टाइम टीचर को कंप्लेन करेगी। लगता है उसको हम दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम है, हमको ही हैरेस करती रहती है। एक काम करें, लेट्स टॉक टू आवर मॉम्स एंड कंप्लेन अबाउट इशिता। जब हमारी मॉम स्कूल में जाके कंप्लेन करेगी ना तो इशिता को समझ आएगा हमको परेशान करने का नतीजा। अच्छा, ऐसा क्या इशिता ने? लगता है खुद को बहुत स्मार्ट समझती है। तू फिकर मत कर, मैं उसकी मम्मी से बात करती हूँ। हेलो मिसेस सिन्हा, मैं मिसेस गुप्ता बोल रही हूँ, रिया की मम्मी। मुझे आपसे इशिता के बारे में कुछ बात करनी थी। मैंने उसकी मम्मी से बात कर ली है, अगली बार अगर वो तुझे परेशान करे ना तो मुझे बताना, मैं सीधे जाके स्कूल में कंप्लेन करूंगी। वो देख इशिता इस तरफ आ रही है, लगता है वो मुझे सॉरी बोलने आ रही है। मेरी मम्मी ने उसकी मम्मी को फोन किया था ना। Hi Tanya, how are you? I'm good. तू कैसी है? Fine. Just going for my football practice. चल, I'll meet you soon. Bye. Tanya, what was that? How come Ishita talked so nicely to you? मैंने भी मेरी मम्मा को कंप्लेन की थी। And this is what happened. So you think कि इशिता को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है और इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रही है, राइट? राइट। Have you talked to her about it? Me? Why should I talk to her? इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। I want you to complain about her in the school. बेटा, तुमने ये आके मेरे साथ बात शेयर की, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार इशिता के साथ बात करो, सीधी बात। Sort it out. Ask her if she has any problem and if so why. और देखो क्या होता है। तो मम्मा मेरी मदद नहीं करोगी? जरूर करूंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मदद खुद करो। एक बार उससे बात करो and see what happens. इशिता, can I talk to you for a minute? Sure, tell me. इशिता, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे मुझसे और रिया से कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तो हमेशा हमें डांटती रहती है, परेशान करती रहती है स्कूल में। मुझे प्रॉब्लम है तुम दोनों से? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया, भला मुझे कोई क्या प्रॉब्लम होगी तुमसे? तो फिर तुम हमेशा हमें डांटती और परेशान क्यों करती रहती हो? देखो तानिया, मैं स्कूल की हेड गर्ल हूँ, सो इट्स माय ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन। और अगर तुम लोग रूल्स नहीं मानोगे तो मुझे डांटना होगा ना। बट ट्रस्ट मी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। सच्ची? ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। इस तरह मैं आप दोस्त बन गए। कल मैं भी जाके सीता से बात करूंगी।
बच्चों को जब प्रॉब्लम होती है तो हर पेरेंट उसकी मदद करना चाहता है और करनी भी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं रहेंगे। वी नीड टू टीच देम टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स। तो आप अपने बच्चे की मदद कैसे करेंगे, रिया की मम्मी की तरह या तानिया की मम्मी की तरह? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑन मोर वीडियोस। थैंक यू।